Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start new lecture of chemical kinetics. क्या चीज़? New lecture. तो इस क्लास में basically हम लोग some questions देखेंगे. जितना भी हम लोग अभी तक पीछे पढ़े हैं उससे related हम लोग क्या करेंगे? Questions देखेंगे. Actually ये जो आपका questions का portion है वो lecture number 6 और 7 का concept से है, लेकिन आपको first से लेकर के 5 video का भी जरूरत पड़ेगा. ठीक है, जरूरत इसलिए पड़ेगा क्योंकि बेसिक तो वही है जो 6 और 7 लेक्चर बना है, उसका बेस तो 1 से लेकर 5 लेक्चर तक ही है. तो आपको पूरा लेक्चर पहले वाला देखा होना चाहिए, तभी जाके आपसे क्वेश्चंस बनेगा. और इसका नाम जो है हम लोग असाइनमेंट रखे हैं. असाइनमेंट इसलिए रखे हैं कि हमको तो मालूम है कि आप लोग को अगर हम लिख करके सीधा सीधा क्वेश्चन दे दें, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दें कि इतना क्वेश्चन है आप सॉल्व कीजिए, तो आप सॉल्व करने वाले हैं नहीं. तो इसी के चलते असाइनमेंट को हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन के साथ क्या किए हैं, ले आए हैं वीडियो में कि आप लोग क्या कीजिए. जैसे आपके पास ये क्वेश्चंस लिखा हुआ दिखा, ठीक है, 3 questions. आपका क्या काम है, वीडियो को पॉज कीजिए, तीनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे, उससे मिलाइए कि आपका जो कॉन्सेप्ट लगा है सही है या गलत है. मैटर नहीं करता है कि पहला बार में आपका सब क्वेश्चन सही हो जाए, तीनों क्वेश्चन गलत हो जाए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस आप प्रयास कीजिए. ठीक है, आपका प्रैक्टिस का जरूरत है, आपका कॉन्सेप्ट का अप्लाई करने का तरीका सही होना चाहिए. बाकी हमको मैटर नहीं करता कि आप सही सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, वो अभी छोड़ दो. ठीक है, वो सब एग्जाम के टाइम में ज्यादा सोचना, स्टार्टिंग टाइम में सही गलत कुछ भी हो सकता है. तो आपका क्या काम है कि फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके तीनों का आंसर आप लोग निकालिए. या एक और फॉर्मेट, हम जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने लगे तो पहले उसको समझ लीजिए, समझ के अपने से उसका आंसर ढूंढिए. ठीक है, ढूंढ करके उसके बाद फिर मेरे से मिलाइए कि वो सही है कि गलत है. तो चलिए उतना ज्यादा हम भाषण नहीं देंगे, स्टार्ट करते हैं एक एक करके. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका क्या लिखा हुआ है उसको देखिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ LaCl, जिसको कि हम लोग A से दिखा रहे हैं, CaCl को जिसको कि B से दिखा रहे हैं, LaCl3 जिसको कि हम लोग C से दिखा रहे हैं, shows the following plots of logarithms of mean ionic activity coefficient, जिसको कि हम लोग ln gamma plus minus से दिखाते हैं, versus molar coefficient, क्या C से जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग C से दिखाते हैं. ये देखिए ln gamma plus minus versus C का एक प्लॉट है. ठीक है, जिसमें कि आपका LaCl, CaCl को LaCl3 दिखाया गया है, ये तीन दिखाया गया है, इसको हम लोग A से बोल रहे हैं, इसको B से और इसको C से दिखा रहे हैं. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है कि which of the following ABC has the most negative slope, इसमें जो है आपका most negative slope ज्यादा है. तो slope तो तीनों में होगा लेकिन ज्यादा किस में है, ABC, means ये तीनों का नाम रखा गया है ABC. तो आपको स्लोप पहचानने के लिए हम क्या बताए थे कॉन्सेप्ट, आपको याद होगा कि हम आपको बहुत बेहतर एग्जांपल दिए थे कि हम लोग जो है एक बॉल को यहाँ पे रखें, हम लोग एक बॉल को बी के ऊपर रखें, हम लोग एक बॉल को सी के ऊपर रखें, तो हम लोग को देखना है कि तीनों में से यहाँ पे जो है फास्ट कौन सा बॉल पहले पहुंच जाएगा. तो सी वाला जो है सबसे फास्ट आ जाएगा नीचे बॉल, क्योंकि यहाँ पे एकदम स्लोप ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा फास्ट बॉल नीचे आ जाए उसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा. तो स्लोप की अगर हम लोग बात करें तो C का ज्यादा स्लोप होगा एस कंपेरिजन टू B, एस कंपेरिजन टू B का ज्यादा होगा A से. तो ये होगा, तो ऑप्शन जो है आपका जिसमें C होगा उसको लगा देंगे. अब ऑप्शन जो है C होगा उसको लगा देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि C ऑप्शन को आप सही कर दो हड़बड़ में, ये सब बातों को आपको ध्यान देना है, C ऑप्शन को हड़बड़ में टिक नहीं कर देना है. हम बोले कि जिसका आंसर में C हो वो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना होगा कि स्लोप निकालने के लिए बोला गया है. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इस कॉन्सेप्ट से याद करेंगे कि बॉल है, बॉल सबसे फास्ट नीचे किसमें आएगा, जिसमें सबसे फास्ट नीचे बॉल आएगा उसका ज्यादा स्लोप होगा. तो सी में सबसे फास्ट नीचे बॉल आ जाएगा तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, उसके बाद बी में आएगा, उसके बाद ए में आएगा, तो वही पूछा गया था, हम लोग उसका आंसर दे दिए. ये सब क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, एक बार रीड करोगे खुद से बन जाएगा. बस आपको ये सब कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, यहाँ पे सर बताया था स्लोप वाले पे कि बॉल से देखना है, यहाँ ये देखना है, वहां वो देखना है. ठीक है, हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि इफ द, ये चल नहीं रहा है इससे देखते हैं, इफ द रेड लो आर एक्सप्रेस्ड इन कंसंट्रेशन, रेड लो को एक्सप्रेस्ड किया गया है किसमें, कंसंट्रेशन में, और कंसंट्रेशन कौन सा कंसंट्रेशन में, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में. इसको आप लोग थोड़ा सा साइड में करके ऐसे लिख लीजिए, कंसंट्रेशन को किसमें दिखाया गया है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब. The unit of third order reactions rate constant is, आपके पास options है, third order reactions rate constant का आपको unit पता करना है. तो कैसे पता करेंगे, आपको हम एक formula बताते हैं,
याद होगा उस फॉर्मूला से आप अप्लाई कीजिए और देखिए कि आंसर कौन सा है। आप वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से खुद से की हम कर रहे हैं उस पर मिला लीजिएगा, ठीक है। हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, किसी भी ऑर्डर में अगर हमको रेट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या था, रेट कॉन्स्टेंट का कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स इज इक्वल्स टू के, ये था। तो यहां पे हमारा कंसंट्रेशन दिया हुआ है मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसका पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस एन, और टाइम को मान लो कि सब में देखिए टाइम सेकंड सेकंड दिया है, तो इसमें आप लोग सेकंड मान लिए तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू के। अब हमको निकालना है थर्ड ऑर्डर का क्या रेट कांस्टेंट, तो थर्ड ऑर्डर का निकालना है। थर्ड ऑर्डर मतलब कि n इज इक्वल्स टू 3, तो यहां पे n की जगह पे हम लोग 3 को पुट करेंगे, तो इस फार्मूला में n को 3 को पुट करेंगे तो हमको सीधा क्या हो जाएगा। आप लोग नेक्स्ट स्टेप की जगह हम सीधा करते हैं, तो जैसे ही आप 3 को पुट करेंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा -2 आ जाएगा, और देखिए क्या होगा मोल टू द पावर -2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव डीएम टू द पावर 6 पर सेकंड। K1 क्यों लिख रहे हैं भाई, हम K लिखना है केवल, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, डीएम टू द पावर 6 मोल टू द पावर -2 पर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक आधा लाइन जो कॉन्सेप्ट है वो याद आना चाहिए, बन जाएगा इसमें। अगर वो सब नहीं आपको याद आ रहा है मतलब कि आप वीडियो अच्छे से नहीं देखे हो, तो फिर से वीडियो को आपको देखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर बिलो रिप्रेजेंट्स द फॉलोस बाय गैस गिविंग एक्सपेंसर ए टू बी, ये फिगर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इसके बीच में प्लॉट है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर एटीएम में दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है आपका इसमें लीटर में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द स्लोप, ये आपको OA एक स्लोप दिख रहा है और एक स्लोप दिख रहा है OB, तो इसमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द स्लोप। तो यहां देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले OA स्लोप को देखते हैं, तो OA स्लोप जो है वो कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग स्लोप को निकालने के लिए स्लोप को m से दिखाते हैं, फॉर्मूला देखे थे tan थीटा, tan थीटा से हम लोग स्लोप पता कर लेते हैं। तो OA के केस में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके केस में, OA के केस में m इज इक्वल्स टू tan थीटा पे हम लोग पुट कर देंगे, तो यहां पे tan कितना हो जा रहा है 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है इंफिनिटी, तो OA क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब किस ऑप्शन में OA इनफाइनाइट है, याद रखिए OA जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। अब बात करते हैं OB का, इसका OB का, तो OB में भी यही हम लोग m इज इक्वल्स टू tan थीटा लगा देंगे, तो यहाँ पे tan जो है कितना हो जाएगा tan 0 डिग्री बोल दो या tan 180 डिग्री बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। OB की बात अगर हम करें तो इसको tan 0 ले सकते हो या tan 180 ले सकते हो, कुछ भी लो आपका वैल्यू जो है कितना आएगा 0 ही आएगा, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 180 का भी वैल्यू 0 होता है, तो स्लोप OB इज 0 मींस ऑप्शन 2 सही है। अब ऑप्शन 2 सही है, ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए में है कि 2 एंड 4 3, बी में है कि ओनली 2, सी में है कि 1 एंड 4, तो ये तो पूरा गलत हो जाएगा क्योंकि 1 का कोई जिक्र ही नहीं है इसमें, 2 है ही नहीं, और ये है कि 2 एंड 4, मींस कहने का मतलब कि दो ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि 2 के बाद एक और ऑप्शन सही दिखाया जा रहा है, तो उसको हमको चेक करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट हम ओनली 2 कर दें तो मेरा गलत हो जाएगा, आपको टाइम इतना भी नहीं बचाना है जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट आ भी रहा है तो भी क्वेश्चन गलत कर दें, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2 तो कंफर्म हो गया, अब ऑप्शन 2 के साथ हम लोग 3 को चेक करते हैं, ऑप्शन 2 के साथ 4 को चेक करते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन रियल में सही है। तो ऑप्शन 3 को देखते हैं, ऑप्शन 3 में क्या है, स्लोप OA इज मिनिमम, अगर OA आपका इनफाइनाइट आया है तो मिनिमम होगा क्या, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन यहीं पे हम लोग गलत कर देते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। स्लोप OA इज मैक्सिमम, ऑप्शन 4 को देखिए, जब OA आपका इनफाइनाइट होगा इसका मतलब कि OA जो है मैक्सिमम है, तो ये बात सही है। अब स्लोप OB इज मिनिमम, जब स्लोप OB 0 होगा इसका मतलब क्या है, स्लोप OB मिनिमम है, तो ऑप्शन 4 भी जो है वो सही है, मींस आपका ऑप्शन बी सही है जिसमें कि 2 एंड 4 दिया हुआ है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, 3 क्वेश्चंस देखें, यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, मिटाएंगे, चलिए मिटाते हैं 1 2 3। अब आपके पास
तीन और क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, इसको वीडियो को फटाक से पॉज कीजिए, पॉज करके नोट करके ट्राई कीजिए और अपने से खुद से ट्राई कीजिए, गलत सही मैटर नहीं करता है। अब स्टार्टिंग अभी सीखने का फेज है आपका, तो गलत होगा ही। हम भी जब स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बना रहे थे तो मेरे से भी गलत हो रहा था, तो किसी से गलत होगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपना कॉन्सेप्ट को आप उसमें अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो हम तीनों क्वेश्चंस को बनाते हैं, आप भी पहले से बना के रेडी रखिए और मिला लीजिए, ठीक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सो देखिए आपके पास दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है, फॉर द गैस फेज रिएक्शन। आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये 2NO2 plus F2 से बना रहा है 2NO2F, ये एक रिएक्शन है जिसका कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 38 dm क्यूब पर मोल पर सेकेंड, और ये जो वैल्यू आया है वो आया है आपका 300 डिग्री केल्विन टेंपरेचर पे। तो बोला गया है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मींस इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैसे हम लोग पता करते हैं, इसका यूनिट की हेल्प से, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n टाइम टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू k, k को पता करने का हमारे पास एक फॉर्मूला था। तो आपको यहां पे देखिए कि दिया हुआ है कंसंट्रेशन जो है वो किसमें, मोल पर dm क्यूब में, क्योंकि मोल पर dm क्यूब में इसका यूनिट है, तो यहां पे जो भी हम लोग कंसंट्रेशन लेंगे वो मोल पर dm क्यूब में लेंगे। अब इसको देखिए जो यूनिट है यहां पे वो क्या है, dm क्यूब पर मोल पर सेकेंड, ठीक है, dm क्यूब पर मोल पर सेकेंड इसका यूनिट है इस रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट। तो पर मोल कब आएगा, जब 1 माइनस एन का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तभी तो आएगा। इस पैसे समझिए कि इसको मान लीजिए कंसेंट्रेशन को मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, 1 माइनस एन और टाइम दिया हुआ है आपका सेकेंड इनवर्स में और इक्वल्स टू के। तो ये पर मोल कब आएगा, जब ये 1 माइनस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 1, मीन्स 1 माइनस एन का वैल्यू जब माइनस 1 होगा तभी ये पर मोल होगा, और जब ये पर मोल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मीन्स dm क्यूब हो जाएगा, तो मेरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू हम क्या लेंगे कि ये माइनस 1 आएगा, तो n का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे, जब n का वैल्यू आप यहाँ पे 2 पुट कीजिएगा 1 माइनस एन में, तो आपका आ जाएगा मोल पर dm क्यूब, यहाँ माइनस 1 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के, और यहां से अगर आप माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा पर मोल dm क्यूब सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के। यही है आपका आंसर, और इस आंसर को मिलाइए dm क्यूब पर मोल पर सेकेंड इज इक्वल टू के, कौन सा ऑर्डर है, जब n का वैल्यू हम लोग कितना लिए 2, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप लोग ऐसे चेक कर सकते हो, ये छोटा ट्रिक है कि 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्या रखेंगे कि हमारा पर मोल आएगा, तो n इसको टू रखेंगे तो पर मोल आएगा। ये आपका फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड आप इसको ऐसे भी ट्राई किए, हमने बहुत बच्चे ऐसे ट्राई किया होगा, यही फॉर्मूला में एक बार n का वैल्यू 0 रखा होगा, एक बार n का वैल्यू 1 रखा होगा, एक बार n का वैल्यू 2 रखा होगा, एक बार n का वैल्यू 3 रखा होगा, तो देखा होगा कि जो सा केस में सही होगा उसको टिक लगाया होगा। तो भाई आप कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वो मेथड्स एक्चुअल में गलत नहीं है, वो सही है, बट आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास समय कम है, सोचने का टाइम कम है, तो कैसे फटाक से मेरा क्वेश्चन बने वो ट्रिक को अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मेट आपका टाइम को बचाने के लिए है, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शंस 2x3 जो है वो 3x2 के साथ इक्विलिब्रियम में है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2 इज क्या होगा, ऑप्शंस दिया हुआ है। ये क्वेश्चन एक्चुअली गेट 2008 में पूछा हुआ है, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है गेट 2008 में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए कोई भी रिएक्शन दिया है और उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, तो फटाफट से पहले हम लोग उसका क्या करेंगे, लिखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रिएक्शंस क्या है, 2x3 जो है वो इक्विलिब्रियम में है 3x2 के साथ, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, माइनस 1/2 डी ऑफ x3 बाय dt इज इक्वल्स टू 1/3 डी ऑफ x2 बाय dt। ये होगा इसका क्या, रेट लॉ एक्सप्रेशन। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2, क्या पूछा गया है, रेट ऑफ formation of x2 क्या होगा, d of x2 by dt होगा, d of x2 by dt होगा।
मींस हम लोग इसमें कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करते हैं फॉर्मेशंस और डिफॉर्मेशंस में, ये जो आपका कोफिशिएंट है इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, आपको हम पहले बताए हैं। रेट लो एक्सप्रेशंस में इसका कोफिशिएंट को इंक्लूड करेंगे, लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशंस एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशंस में कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये 3 को हम लोग यहां पे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा -3/2 d ऑफ x3 by dt is equals to d of x2 by dt. So d of x2 by dt means rate of formations of x2 क्या आया? ये value आया। तो आप मिला करके देख लीजिए कौन सा option सही है। क्या होगा options? ये options, options number d, ये minus अंदर लिखा हुआ है, आप इसको बाहर लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? तो 3/2 minus of d x3 by dt, ये आएगा rate of formations of x2. तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस इज, आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शंस दिया हुआ है a+2b से बना रहा है 3c, इसका डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशंस लिखना है, ठीक है? क्या लिखना है? डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशंस या रेट लो एक्सप्रेशन जिसको जो बोले। तो सबसे पहले इस रिएक्शंस का हम लोग रेट लो एक्सप्रेशंस लिखेंगे, क्या होगा? माइनस ऑफ da/dt इज इक्वल्स टू 1/2 minus of db/dt is equals to 1/3 rate of formation सही है, तो इसमें positive रहेगा, dt हो जाएगा, ठीक है? ये अब आप options में आइए कि कौन सा सही है। minus of da by dt 1/2 minus of db/dt 1/3 dc/dt ये है। इसमें भी देखिए options number b के साथ options number c में भी यही है, changing कहाँ पे है? changing इसमें है। तो ये जो है आपका रेट लिखा हुआ है इसके टर्म में, कांस्टेंट की टर्म में, तो कांस्टेंट की टर्म में इसका रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आपको याद रखना है, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि रिएक्शंस आपका है एलिमेंट्री, तो इसका जो आपका कोफिशिएंट होगा वही इसका ऑर्डर होता है। तो इसका क्या हम लोग रेट की टर्म में लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? के ए का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो कुछ नहीं। बी का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो a टू दी पावर a, b टू दी पावर 2, दिस ऑप्शंस नंबर सी इज करेक्ट। तो आपको ऐसे देखना है क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस कुछ नहीं है, बस पढ़ो आंसर उसका ढूंढ लो। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट और 3-4 क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, तो फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, मिटाते हैं 1, 2, 3। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास 3 सवाल और दिखा बोर्ड पे। आप बोलोगे कि सर कितना क्वेश्चंस कराओगे, तो चलिए ज़्यादा छोटा छोटा क्वेश्चंस है, 8-10 क्वेश्चंस तो आप लोग कर ही सकते हो, इतना बड़ा एग्जाम का प्रिपरेशंस कर रहे हो, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 7 है, वीडियो को पॉज कीजिए, वही ट्रिक को फॉलो कीजिए, खुद से आप देखिए, नहीं बनता है तो फिर हम उसको बता रहे हैं, चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपके पास 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से गलत कौन सा है? देखिए यहाँ पे बच्चा लोग गलती क्या करता है कि इनकरेक्ट और करेक्ट में डिफरेंस नहीं समझता है, देखता है कि कौन सा करेक्ट है उसी को लगा देता है। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट की बात की गई है। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज दिया हुआ है इसका मोलर पर सेकेंड में, यूनिट होता है क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का? सेकेंड ऑप्शन है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस इज मोलर पर सेकेंड। देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शंस, सबका रेट जो है वो सेम होता है। रेट का क्या मतलब होता है सो समझिए, रेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो कंसंट्रेशंस अगर मोलर में बात किया गया है, टाइम अगर सेकंड में बात किया गया है, तो मोलर पर सेकंड होगा आपका रेट का क्या यूनिट। तो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, किसी भी रेट की बात की जाए तो सबका रेट का यूनिट यही होगा। मीन्स ऑप्शंस ए जो है वो क्या है, सही है, ऑप्शंस बी भी जो है वो सही है, हमको इनकरेक्ट पता करना है, याद रखिएगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन ऑर्डर, क्या ऑर्डर पे रेट कांस्टेंट का यूनिट डिपेंड करता है क्या? तो हम लोग देखे थे कि यूनिट कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन टू द पावर 1 - n पर टाइम इज इक्वल टू के। अब n जितना होगा अलग अलग ऑर्डर का उस पर डिपेंड करेगा k का यूनिट, मीन्स अलग अलग n के लिए अलग अलग k का वैल्यू होगा, तो ये भी ऑप्शंस आपका सही है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शंस नंबर d, यूनिट ऑफ k फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इज ये मोल पर सेकेंड।
तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का निकालते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, यही एन का वैल्यू में वन पुट कर देंगे, तो हमारा मान लीजिए कंसेंट्रेशन है मोलर में वन माइनस वन कर दें, और टाइम देखें कि अगर हमारा है सेकेंड इन्वर्स में इज इक्वल्स टू के, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो मीन्स केवल बार इसका यूनिट आएगा सेकेंड इन्वर्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में इसका केवल यूनिट आएगा सेकेंड इन्वर्स, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है मोलर पर सेकेंड, ठीक है, और ऑप्शन आएगा क्या पर सेकेंड, तो ये ऑप्शन आपका जो है वो रॉन्ग है, मीन्स इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, हमको इनकरेक्ट पता करना था, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, तो यही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिट जो है आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पर मोल लीटर पर सेकेंड ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट करस्पॉन्ड टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, कुछ नहीं आपका जो यूनिट दिया है उसको लिखिए, पर मोल लीटर टू द पावर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये दिया हुआ है आपका यूनिट, तो इसका मतलब है कि आपका कंसेंट्रेशन जो है वो दिया हुआ है मोल पर लीटर में, किसमें दिया हुआ है मोल पर लीटर में, तो हम लोग कंसेंट्रेशन सॉरी यूनिट को पता करने के लिए एक फॉर्मूला देखे हैं, कंसेंट्रेशन टू द पावर वन माइनस एन पर टाइम, हम लोग यूनिट को पता करने के लिए देखे हैं किसी भी ऑर्डर में, तो हमारा पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि ये यूनिट होगा, ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, तो आप ऐसे समझिए कि मोल का पावर माइनस वन है और नॉर्मली हमारा होता है मोल, ठीक है, तो मोल का पावर माइनस वन जो है कब आएगा, मोल का पावर माइनस वन कब आएगा, जब एन का वैल्यू जो है आपका वो टू आएगा, तो एन का वैल्यू जब टू रहेगा तो आप देख लीजिए कंसेंट्रेशन किस में है मोल पर लीटर में, एन का वैल्यू जब आपका टू है मीन्स यहाँ पे आपका वन माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस वन, टाइम जो है अगर आपका सेकेंड में है इक्वल्स टू के, तो यहाँ से आपका आ जाएगा पर मोल, लीटर जो है आपका पॉजिटिव में आ जाएगा और सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू के, और ये यूनिट आप मिला करके देख लीजिए एन का वैल्यू जब टू रहेगा तभी आपका होगा, मीन्स सी ऑप्शन होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस हाउ इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अंडरलाइन प्रोडक्ट रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अंडरलाइन रिएक्टेंट, आपके पास एक गिवन रिएक्शंस है, इसमें बोला गया है कि जो आपका अंडरलाइन प्रोडक्ट है, ठीक है, क्या है अंडरलाइन प्रोडक्ट है जिसको कि हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं, और जो अंडरलाइन रिएक्टेंट है जिसको कि हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलते हैं, वो दोनों जो है आपस में कैसे रिलेटेड है, तो सबसे पहले इस रिएक्शंस का हम लोग क्या करेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशंस को लिख लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा कैसे रिलेटेड है, तो इसका हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशंस लिखने चले तो क्या होगा, माइनस ऑफ डी बी आर ओ थ्री माइनस बाय डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्या ऐसे लिखिए वन बाई फाइव माइनस ऑफ डी बी आर माइनस बाई डी टी इज इक्वल्स टू वन बाई सिक्स माइनस ऑफ डी एच प्लस बाई डी टी, ये डिसअपीयरेंस वाला था तो हम लोग निगेटिव लगा दिए, अब आता है अपीयरेंस वाला, तो वन बाई थ्री डी ऑफ बी आर टू बाई डी टी इज इक्वल्स टू ये एच टू क्या होगा वन बाई थ्री डी ऑफ एच टू ओ बाई डी टी, तो बोला गया है कि जो आपका अंडरलाइंड प्रोडक्ट है जिसको कि रेट ऑफ अपीयरेंस बोल रहे हैं, और जो अंडरलाइंड रिएक्टेंट है जिसको कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोल रहे हैं, मींस ये वाला तो अंडरलाइन किया गया है, ये दोनों में आपस में क्या रिलेशंस है, मींस ये दोनों आपस में क्या रिलेशंस है, तो यही रिलेशंस है कि माइनस ऑफ डी बी आर ओ थ्री माइनस बाय डी टी ये जो है बराबर है वन बाय थ्री डी ऑफ बी आर टू डी टी के, ऑप्शंस मिला लीजिए कौन सा सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है देखिए ये वाला देखिए, तो माइनस ऑफ डी बी आर ओ थ्री बाई डी टी इज इक्वल टू वन बाई थ्री डी ऑफ बी आर बाई डी टी, मीन्स ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चंस करिएगा नहीं कीजिएगा बहुत हो गया, चलिए एक काम करते हैं मेरी तरफ से दो तीन क्वेश्चंस और देख लीजिए लास्ट, इसके बाद हम बात नहीं करेंगे, दो तीन क्वेश्चंस और देखते हैं, उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल्स और हमारा बचेगा वो नेक्स्ट क्लास एक और क्लास ले लेंगे न्यूमेरिकल्स का, हमको मालूम है कि आप लोग बोर हो रहे होंगे क्वेश्चंस के नाम से, आप लोग डर रहे होंगे, लेकिन आपको हम हकीकत बता रहे हैं, आप पढ़ाई करके आए होंगे तो जितना हमको बनाने में टाइम लग रहा है उससे आप कम टाइम में बना लोगे, ये कन्फर्म है, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो कॉन्सेप्ट बस पढ़ा है वो आपके पास मन में होना चाहिए, ठीक है, और नहीं भी दिक्कत भी हो रहा है तो अगर बनाने के बाद समझ में आ जा रहा है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है थोड़ा दिक्कत होगा, किसी को थोड़ा दिक्कत होता है, चलिए इसको मिटाते हैं और दो तीन क्वेश्चंस मेरे मन से और देख लीजिए, उसके बाद फिर हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे।
मिटा दें। चलिए मिटाते हैं, 1, 2, 3। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट लास्ट 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं। बहुत ज़्यादा पका दिए आपको, नहीं आप लोग को हम लोग बहुत पका दिए। तो चलिए वो सब बातें छोड़िए, आप पढ़ाई कर रहे हो, बड़ा एग्जाम को टारगेट लेके चले हो, तो 10-12 क्वेश्चंस सॉल्व करना पड़ेगा क्लास में, ठीक है। एक्चुअली में क्वेश्चंस बहुत छोटा छोटा है, इसलिए हो जा रहा है, बड़ा क्वेश्चन सीखने वाले लायक रहता थोड़ा टाइम लगता, वो हम लोग थोड़ा हार्ड टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। तो देखिए क्या हुआ है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस डिपेंड ऑन। एलिमेंट्री रिएक्शंस में जो आपका यूनिट होगा रेट कॉन्स्टेंट का, वो किन बात पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चंस में यही पूछा है, ऑप्शंस दिया हुआ है। तो हम लोग सपोज करते हैं एक रिएक्शंस को, मान लेते हैं कि एक रिएक्शंस है 2A, इससे बन रहा है प्रोडक्ट भी, आप कुछ भी रिएक्शंस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये रिएक्शंस कैसा है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस है तो इसके केस में रेट क्या होगा, रेट जो है वो होता है के ए टू दी पावर 2। एलिमेंट्री रिएक्शंस है, और अगर रिएक्शंस ये है तो इसका रेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इन बातों पे लिख सकते हैं। तो बोला गया है कि ये जो रेट कांस्टेंट है वो किन बातों पे डिपेंड करेगा, आपको मालूम है कि रेट कांस्टेंट किन बात पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे, किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, यही है इस रिएक्शंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहाँ से आया, मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस किस पास पर, किस बात पे डिपेंड करता है, कि ये रिएक्शंस में रिएक्टेंट का मोलिकुलरिटी क्या है, मींस मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस पे डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, जिसको कि हम लोग कोफिशियंट भी बोलते हैं। मींस इसका जो कोफिशियंट होगा, एलिमेंट्री के केस में केवल बात कर रहे हैं, वही इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होगा। तो किस बातों पे डिपेंड करता है, ऑप्शंस को पढ़िए और टिक लगाइए। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शंस नहीं होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट नहीं होगा, एक्टिवेशन एनर्जी पे भी नहीं होगा, तो किस पे होगा, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए टू है प्लस बी टू है, इससे आपका बना रहा है प्रोडक्ट 2AB। इस रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शंस भी आपके पास दिया हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शंस ये है। आपके पास एक डाटा दिया हुआ है कि इनिशियल डाटा है A2 का 0.2, B2 का 0.2, तो रेट ऑफ रिएक्शंस आ रहा है 0.04। 0.1 ले रहे हैं इनिशियल डाटा A2 का, 0.4 ले रहे हैं इनिशियल डाटा B2 का, तो आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शंस 0.04। फिर थर्ड में दिया हुआ है कि 0.2 A2 लेंगे, 0.4 B2 लेंगे, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शंस आएगा 0.08, ठीक है। क्वेश्चंस में पता क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पता करना है A2 और B2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस है, इसमें से आपको टिक लगाना है। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग करा चुके हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क क्यों है, क्योंकि हम लोग ये क्वेश्चंस को असाइनमेंट नंबर 2, जो हम लोग असाइनमेंट 2 किए हैं, उस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 में इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। करना कैसे है आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए कि आपका 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 कट जाएगा, तो एक बार 1 और 3 को लीजिए और एक बार 2 और 3 को लीजिए, ठीक है, आपका बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो बताया है सीधा वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो हम लोग टाइम को ज़्यादा वेस्ट क्यों करें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ रिएक्शंस, एक रिएक्शंस है, रिएक्शंस क्या है, 2A प्लस B से बना रहा है 3Z। इफ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A इज इतना, कितना, 2×10⁻⁴ मोल पर dm³ पर सेकेंड। द रेट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ जेड जो है वो इसी में आएगा, वो कितना रहेगा, मींस यूनिट दिया हुआ है, अब उसका वैल्यू आपको निकालना है कि रेट ऑफ कंजप्शन दिया हुआ है A का इतना, तो रेट ऑफ फॉर्मेशंस जो है वो जेड का कितना होगा। तो अगर कुछ भी बात दिया है तो सबसे पहले इस काम को क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शंस को निकालना होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शंस सॉरी रेट टू एक्सप्रेशंस को लिखना होगा। तो ये आपके पास रिएक्शंस है 2A प्लस B से बना रहा है 3Z, तो इसका रेट टू एक्सप्रेशंस क्या होगा, 1/2 माइनस ऑफ dA/dt, ये बराबर होगा माइनस ऑफ dB/dt के, और ये बराबर होगा 1/3 d ऑफ z/dt के। अब देखिए क्वेश्चंस में गिवन क्या है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A कितना है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A क्या होगा, माइनस ऑफ dA/dt होगा, यही ना होगा। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A कहने का मतलब कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ A, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ A दोनों का मतलब सेम है,
तो माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी होगा, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ मोल पर डी एम क्यूब पर सेकेंड, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है। यहां पे आपको पता करना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड क्या होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड होगा आपका डी जेड बाई डी टी, और इसी को आपको पता करना है इसका वैल्यू होगा क्या। तो यहां पे देखिए हम लोग रेट लो एक्सप्रेशन में कोफिशियंट को लिखे हैं, इसका जो कोफिशियंट है उसको हम लोग लिखे हैं, लेकिन वही हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ कंजप्शन में हम लोग कोफिशियंट को नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशियंट को नहीं लिखे हैं, तो क्या होगा इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे। इस वाले टर्म को भी छोड़ दीजिए, ये दोनों टर्म को देखिए, माइनस वन बाई टू, या इसको ऐसे देखिए 1/2 माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी जो है बराबर है 1/3 डी जेड बाई डी टी के, सही बोल रहे हैं हम। तो हमको क्या पता करना है, डी जेड बाई डी टी पता करना है, तो इसको जो है यहाँ पे आप लोग कर दीजिए इधर, तो इसको इधर कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 3/2 माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, ये आपका आ जाएगा डी जेड बाई डी टी के बराबर, और हमको डी जेड बाई डी टी ही पता करना था। तो 3/2 इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 3/2 डी ए बाई डी टी, देखिए क्या दिया हुआ है माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी क्या दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी टी। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 × 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी टी। तो 3 × 10⁻⁴ जो है आपका वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए क्या है, 3 × 10⁻⁴। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस क्लास में 12 क्वेश्चंस को सॉल्व किए, सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। बस ये एक क्वेश्चंस आपको हम होमवर्क दिए हैं और इसको बोले हैं कि आपसे खुद से बन जाएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो असाइनमेंट नंबर 2 जो वीडियो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 को जाकर के आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ये फटाक से क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर का सारा बातें आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग 6-7 क्वेश्चंस करेंगे जो कि इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा, लेकिन इजी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।